अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ कासरी, आज का जो है हमारा असाइनमेंट वो है वर्ब से रिलेटेड। यहाँ पर बास की फर्स्ट फॉर्म, बास की सेकंड और बास की थर्ड फॉर्म दी गई है। हमें जो मिसिंग फॉर्म्स हैं इनकी वो कंप्लीट करनी है। जैसे वेंट लिखा हुआ है तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो, सेकेंड वेंट आ गई और थर्ड आएगी इसकी गॉन। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अवेक, अ वॉक, इसकी सेकेंड फॉर्म होगी अ वॉक। थर्ड ऑलरेडी लिखी हुई है अवोकन। फिर है डन, ठीक है, और इसकी फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म जो है वो हम देखते हैं, डू फर्स्ट फॉर्म है, डिड सेकेंड फॉर्म है, और डन है थर्ड फॉर्म। बिगेन की सेकेंड फॉर्म है बिगेन, बी ई जी ए एन बिगेन, और थर्ड फॉर्म अगेन है इसकी, थर्ड फॉर्म है इसकी बिगन, बी ई जी यू एन बिगन। अब है ब्रॉट, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी ब्रिंग, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट होती है, ब्रिंग ब्रॉट, और सेकेंड थर्ड फॉर्म इसकी होगी ब्रॉट। फिर है हमारे पास बॉट, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये जो रूट वर्ड होता है वो होता है बाय, बी यू आई वाला बाय, खरीदना, बॉट, और सेकंड फॉर्म बॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बॉट। फिर है रीड, सेकंड फॉर्म इसकी रीड होगी और थर्ड फॉर्म भी रीड। ये है कम, इसका रूट वर्ड होता है एक्चुअली कम ही होता है आना, सेकंड फॉर्म होती है केम और थर्ड फॉर्म अगेन कम। फिर है मेड, मेड से फर्स्ट पर आ जाएँ आप, इसका आएगा मेक, रूट वर्ड है मेक, मेड, और फिर अगेन मेड। लर्न्ड है, फर्स्ट फॉर्म होगी लर्न, एल ई ए आर एन लर्न, सेकेंड फॉर्म होगी लर्न, एल ई ए आर एन टी लर्न। इस तरह से इनको सॉल्व करना है, आप प्लीज़ इनको सॉल्व, ना सिर्फ सॉल्व कीजिएगा, इनको याद भी कीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आपको याद होंगे, क्योंकि आपके पेपर्स का जो सिलेबस है वो यही चीज़ें हैं। अब अगले लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।